नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। इंडियन प्रीमियर लीग टलने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने गोवा में छुट्टी मनाने का फैसला किया। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई 20 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद ये खिलाड़ी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गोवा जा रहा था। हालांकि बीच में उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें बीच में ही रोक लिया। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले पृथ्वी शॉ कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कोल्हापुर से कार से के रास्ते गोवा जा रहे थे। महाराष्ट्र में इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच लॉकडाउन जारी है और कई तरह के बैन लगाए गए हैं। इसके चलते अगर किसी को महाराष्ट्र में यात्रा करनी है तो उन्हें मिलिट्री ई पास की ज़रूरत है और उनके पास ई पास न होने के चलते करीब 1 घंटे तक पुलिस ने उन्हें रोक के रखा। बता दें, इसके बाद पृथ्वी शॉ ने ऑनलाइन ई पास का आवेदन किया और जब उन्हें वो मिला तो पुलिस ने उन्हें आगे यात्रा करने की परमिशन दी। गौरतलब है कि पृथ्वी शॉ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन के चलते टीम से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन किया और IPL 2021 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी शॉ को टीम में नहीं चुने जाने के पीछे का कारण उनकी फिटनेस और BCCI ने उन्हें टीम में वापसी करने के लिए अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए कहा है। BCCI सूत्र के मुताबिक अगर पृथ्वी शॉ अपना वजन कम नहीं करते हैं तो उनकी टीम में वापसी मुश्किल है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फ्लॉप रहने वाले पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपने बल्ले से अपना दमखम दिखाया था। आपको बता दें कि BCCI जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ भारत की बी टीम भेजने की तैयारी कर रही है, जिसमें बोर्ड पृथ्वी शॉ को जगह दे सकता है। इस दौरान भारतीय टीम को नया कप्तान देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।